डीजल की कीमतों को लेकर जिनमें बढ़ोतरी जारी है। आज पेट्रोल के दाम 48 पैसे बढ़ गए तो डीजल की कीमतों में 55 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 79.99 रूपये हो गई है जबकि डीजल अब 72.07 रूपये प्रति लीटर बिकने लगा है। मुंबई में पेट्रोल 87.39 रूपये प्रति लीटर तो वहीं डीजल अब 76.51 रूपये प्रति लीटर बिकने लगा है। और अगर 16 अगस्त से बाद अभी तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 2.17 रूपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है जबकि डीजल की कीमतों में करीब 2.60 रूपये का इजाफा हुआ है। यानी पेट्रोल की कीमतों में के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से आग लगी है। करीब 48 पैसे का इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है 55 पैसे प्रति लीटर की। 16 अगस्त से लेकर अभी तक के आंकड़ों यानी करीब पिछले सवा महीने के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो अभी तक की कीमतों में करीब 2.25 रूपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में 48 पैसे का इजाफा, वहीं डीजल की कीमतों में 55 पैसे का इजाफा। दिल्ली में अगर पेट्रोल की कीमतों की अगर बात करते हैं तो वो 79 रूपये के आसपास पहुंच गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर 16 अगस्त से अभी तक करीब 2.25 रूपये कीमतों का इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर और उसके साथ ही डीजल की कीमतों में 2.5 रूपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.99 रूपये है और लोग जो है वो काफी आक्रोशित है। कांग्रेस ने इस मद्देनजर प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। 10 सितंबर को भारत बंद रखा गया है। तेल की कीमतों में एक बार फिर से आग लगी है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में 48 पैसे का इजाफा हुआ है जबकि डीजल की कीमतों में 55 पैसे का इजाफा हुआ है। और चलिए फिलहाल सीधे रुख करते हैं अपने रिसर्च सेंटर का। आखिरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ क्यों रही है। कंचन हमारे साथ रिसर्च सेंटर से जुड़ रही है। कंचन बताइए आखिरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है। राकेश बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा सवाल है और चिंता का विषय है और देशवासी यही जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी बड़ी वजह है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है पिछले 12-15 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। बीच में 2 दिन शायद रेट नहीं बढ़े थे लेकिन आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की जो कीमत है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि रुपये में भारी गिरावट का दर्ज होना। आप इस बात को समझिए कि महज एक महीने के अंदर 2.5 रूपये से ज्यादा की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपये में दर्ज की गई है और अब जो रुपये की कीमत है वो 71 रूपये से भी नीचे के स्तर पर आ गई है। यानी कि इसका सीधा सीधा जो असर है तेल के आयात पर पड़ा है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कंपनियों को तेल लेने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद सीधा असर जो है देश में पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह जो सामने निकलकर आई है वो है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का दर्ज होना। $7 प्रति बैरल से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है और ईरान का जो तेल निर्यात है वो घट चुका है। इस बीच इसका साफ तौर पर जो असर देखा गया है वो तेल की कीमतों में देखा गया है। तेल की कीमतों में सीधे तौर पर उछाल महसूस किया गया है और जिसका खामियाजा देशवासी जो है हर दिन भुगत रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दी है स्थिति पूरी तरह से कि इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है कि सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से कच्चे तेल की जो कीमत है वो बढ़ रही है घट रही है उसी की वजह से आज देश के अंदर भी तेल डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा दर्ज हो रहा है। जब तेल कच्चे तेल के दाम जो घट जाते हैं तो आप ये समझिए कि देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की जो रेट है उसमें कमी दर्ज की जाती है। राकेश जी कंचन, तो कंचन ने वजह बताया कि आखिरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और साथ ही रुपए में जो गिरावट है उसका यह असर। तो ब्रेकिंग पॉइंट से मेरे साथ राकेश लगातार बने हुए हैं, रिसर्च सेंटर से मेरी सहयोगी कंचन लगातार बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।